तो अब हम लोग कुआं देखने जा रहे हैं, जो कि बताया जाता है कि जो यहाँ पे राजा रानी रहते थे उसमें नहाया करते थे। इधर से रास्ता जाने का तो ये दोनों तरफ से ही दीवारें हैं, इसके बीच से रास्ता बहुत स्लिपरी है यहाँ पे। इससे बचिएगा आप लोग। क्या है ये लग जाएगा, खजूरी बहुत तेज होगा। यही है? नहीं वो नहीं है, चलिए ना जैसे आप लोग चलिएगा हम लोग निकल जाएंगे। एक एक आदमी बहुत आराम से निकलेंगे ना, एकदम निकल जाएंगे। ये देखिए खुजली वाला पौधा है, इसे बच के हम लोग को जाना है। बच गए हम लोग, आइए खतरनाक रास्ता है। यही सब तो रिकॉर्ड करना है आप लोग का भी, आइए रहा जंगल में क्या करता हूँ पहले से ऐसा समझ में। तो ये दोनों भैया लोग दिखाने लगे हैं इधर। आप लोग एक बार स्नान किए हैं यहाँ पे कि नहीं? पानी है, पानी सूख गया है। काफी खतरनाक रास्ता है ये। ये लोग यहाँ के लोकल ही हैं, ये लोग बता रहे हैं पूरा क्या क्या है यहाँ पे घूमने लायक। ये अच्छा पुराने जमाने का कुआं जो माधव सिंह ने बनवाया है। हाँ तो इस कुआं के बारे में कुछ बताइए। ये बहुत पुराना किला है, कुआं है। हाँ इसमें पहले पानी था, अब लोग इसमें कंकड़ मारते हैं और कंकड़ मारते मारते इसको ढक दिए हैं, पानी है नहीं, नहीं। जैसे लोग बताते हैं कि राजा रानी नहाने के लिए जाते थे तो एक कुआं का दूसरे नदी है कोई सोन नदी, वहाँ पे खुलता था। हाँ सामने है सोन नदी, वहाँ खुलता था, इसी के अंदर से लोग जाते थे नहाने। इसके अंदर सुरंग था पहले? जी इसके अंदर सुरंग है, ढक गया है ना। जी यानी इसमें से पानी निकल के ये भर जाता था? नहीं नहीं इसमें से पानी निकल के जाता था पूरे महल में पीने के लिए, इसीलिए ये बनाया हुआ है ना, इसके अंदर से जाता था पूरा। अब तो फूट गया है, सीढ़ियां खिसक रहा है। हाँ ये देखिए बड़ा वाला कुआं है, डिजाइंस भी यहाँ पे कुछ किया गया है। एक छत था ना, देखिए एक छत ये था, इस छत के अंदर एक कुआं था, एक मार्बल ऊपर बैरक में रहने के लिए सैनिकों के ऊपर। पूरा सब गिर गया है ना? हाँ सब गिर गया है, एक छत के अंदर था रूम। ये सब जो छिद्र बनाया गया इससे तो पानी निकल जाता होगा? ये छिद्र बनाया गया है देखने के लिए, मार करने के लिए, जो जो भी हम बना है बंदूक लेकर खड़ा रहता था। हाँ
उसमें ऐसा बना है कि आप दो 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 तरफ देख सकते हैं, तीन तरफ उसमें ये चीज़ बना है। उससे सूर्य का रोशनी आता था। हाँ, इसमें तो सूर्य की रोशनी, क्योंकि ये छत बना था तो इसमें सूर्य की रोशनी आने के लिए बना है। रिफ्लेक्ट होकर आता था तो काफ़ी खंडहर हो चुका है, लेकिन अगर आप घूमने के इरादे से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। वहीं से कट जाएगी। यही खंडहर सब है और पूरा पहाड़ सामने, ये देखिए। ये देखिए तहखाना है, अंदर जाने का वो रास्ता है, लेकिन आज तक कोई अंदर गया नहीं है। ठीक से जाइएगा भाई, धंस हो जाएगा। अब जूम करिए, हम दिखा रहे हैं। यहाँ से रास्ता लॉक है, बंद है आगे का ना। हाँ, तो एक बार फिर हम लोग के साथ हैं सुनील जी। इनको आपने देखा होगा विजयगढ़ वाला जो वीडियो था उसके फर्स्ट पार्ट में देखा होगा। तो इनका घर यहीं पे रॉबर्ट्सगंज में है, तो वहाँ से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये कुछ बताएंगे इसके बारे में। के बुज़ुर्गों का मानना है कि यहाँ पे बहुत सारे हीरे ज्वारा थे जिनकी रक्षा अदृश्य शक्तियाँ करती हैं, और फिजिकली रूप में अभी यहाँ पे कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। तो आज एक और भाई हम लोग के साथ में आए हैं, तो ये बताएंगे इस जगह के बारे में। ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं, तो बताइए क्या कुछ यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर ये एक्सपीरियंस माना जाता है कि यहाँ पे मतलब कि अदृश्य शक्तियाँ हैं, और यहाँ पे कई मंजिल अंदर तक भी मकान बना हुआ है। इसके अंदर पहले के राजा रहा करते थे, और यहाँ पे बगल में सोन नदी है। बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ पे जब युद्ध हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारे सैनिक लोग मारे गए थे, और बताते हैं कि यहाँ पे अभी उनके रोने और चिल्लाने की आवाज़ें रात में सुनाई देती हैं। और ये काफ़ी खंडहर है, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है, एक सीढ़ी यहाँ पे है, चलिए ऊपर चल के देखते हैं। रास्ता पूरा टूटा हुआ है। ये देखिए पूरा खंडहर है। यहाँ से देखिए व्यू चारों तरफ का। तो ये इस वीडियो अघोरी किला का दूसरा पार्ट और लास्ट पार्ट है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी लिमिटलेस। बाय बाय।